हेलो एवरीवन दिस इज पत्र यादव विद ए वेरी इन्फॉर्मेटिव सेशन ऑन शेनो कैसी शहनु कैसी से किस टाइप के क्वेश्चन एंड टी यू जी नेट एग्ज़ाम में बने हैं वो वीडियो के एंड में देखेंगे सो लेट्स बिगिन विद द शनो केसीस इंट्रोडक्शन शहनु कैसी का लाइफ स्पैन एटीन एटी टू डब्लिन आयरलैंड ये एक आयरिश ड्रामेटिस्ट मेमोरिस्ट और नेशनलिस्ट हैं ये एक पहले प्ले प्ले हैं जो डब्लिन वर्किंग क्लासेस के बारे में लिखते हैं इनका एसोसिएशन एबी थिएटर से है एबी थिएटर के लास्ट और लीडिंग मेंबर रहे हैं एबी थिएटर नेशनल थिएटर ऑफ इंग्लैंड है एबी थिएटर से एसोसिएट रखने वाले अदर फेमस राइटर्स हैं पोइट हैं एक डब्ल्यू बी एड्स प्ले राइट जे एम सिंज और पॉलिटिकल एक्टिविस्ट हैं लेडी ग्रेगरी शॉन ओ केसी को हम उनकी डब्लिन ट्रायोलॉजी के नाम से जानते हैं ये बहुत ही फेमस ट्रायोलॉजी है और एन टी यू नेट एग्जाम ने यहाँ से क्वेश्चन भी बनाए हैं इनकी जो डब्लिन ट्रायलॉजी है उसका जो फर्स्ट प्ले है द शेडो ओपे गनमैन नाइनटीन सेकंड सेकेंड जोनो एंड द पेकोक नाइनटीन ट्वेंटी फोर थर्ड द प्लाओ एंड द नाइनटीन हंड्रेड ट्वेंटी सिक्स अभी शैनो केसी ने वहाँ का जो कल्चर है आयरिश कल्चर है उसको रिवाइव करने में इनका कंट्रीब्यूशन भी रहा है और उस उन्होंने इसके लिए वहाँ एक लीग थी लीग में लीग मतलब जो लैंग्वेज के ऊपर काम करने वाली थी गैलिक लीग और उन्होंने आयरिश लैंग्वेज को भी सीखने के लिए इस लीग को ज्वाइन किया था इनका एक फ्रेंड था थॉमस एश वो एक हंगर स्ट्राइक में डाई डेथ हो जाती है और उन्हीं से इंस्पायर होके एक प्रेज, प्रोज फॉर्म में उन्होंने एक वर्क लिखा है लामेंट फॉर थॉमस एश इनका फर्स्ट पब्लिश वर्क द स्टोरी ऑफ द आयरिश सिटीजन आर्मी केसी ने अपने ही एक पले के प्ले की तारीफ करी है वो है कोक डूडल डैंडी के नाम से इनके मेजर वर्क्स चार हमें याद रखने होंगे ट्रायोलॉजी के और एक और वर्क में बताऊंगा सो लेट सी द शेडो ऑफ ए गनमैन जो रिवोल्यूशनरी पॉलिटिक्स का डबलिन वाली स्लैम्स पे और वहाँ पे रहने वाले लोगों पे क्या फ़र्क पड़ा है ये शेडो ऑफ गनमैन में देखने को मिलेगा जूनो एंड पिकॉक में आयरिश सिविल वॉर का पुअर वर्किंग क्लास के ऊपर क्या फ़र्क पड़ा है वो हम जूनो एंड पिकॉक में देखने को मिलेगा इसके अलावा द प्लाउ एंड द स्टार में जो इस्टर राइजिंग की जितनी भी इवेंट्स हैं और उसके अराउंड जो होने वाली इंसिडेंट हैं वो हमें द प्लव और स्टार में देखने को मिलेंगी एक्चुअल में स्टर राइ स्टर राइजिंग जो है 1916 में स्टार्ट हुआ था और ये अपने इंडियन फ्रीडम मोमेंट चला था आई I मीन mean कि एट्टीन सेवन वाला रिवोल्यूशन उसकी तरह से ही ये स्टर राइजिंग है और इनका चौथा जो वर्क है वो बड़ा इम्पोर्टेंट है चौथा वर्क मीन्स प्ले द सिल्वर टेसी सिल्वर टेसी एक एक्सप्रेनिस्ट प्ले है और फर्स्ट वर्ल्ड वार के बारे में है एक्सप्रेनिस्ट एक मूवमेंट था जो वर्ल्ड वार के अगेंस्ट में आया था वर्ल्ड वार में जितने भी डिस्ट्रक्शंस हुए थे तो उन्होंने पेंटर जितने भी फेमस पेंटर थे तो अपनी फीलिंग्स तो थी वो पेंटिंग में दिखाना स्टार्ट किया था उन्होंने बाद में ये लिटरेचर में आ गया था एक्सप्रेनिस्ट इसलिए ये सिल्वर टेसी बड़ा इंपॉर्टेंट वर्क है इनके अदर वर्क्स भी मैं पढ़ दूँगा पहला लामेंट फॉर थॉमस एश द स्टोरी ऑफ थमस एश द हारवेस्ट फेस्टिवल द स्टोरी ऑफ आयरिस सिटीजन आमी ये ट्राइलॉजी मैंने पढ़ दी है सिल्वर टैसी भी हो गई है नाइन नंबर पे दिग एंड ऑफ द बि, बिगनिंग रेड रोजेज फोमई कोक डूडल डेंडी बिहाइंड द ग्रीन करटे ये शनो केसी हैं एक मेमोरिस्ट थे तो मेमोरिस्ट होने की वजह से इनकी बायोग्राफी भी हमें देखनी पड़ेगी तो बायोग्राफीज़ कौन सी हैं आई नोक एट द डोर पिक्चर्स इन हॉलवे ड्रम्स अंडर द विंडो इन्स फॉलन फेयर दिवेल रोज एंड क्राउन सनसेट एंड इवनिंग स्टार अभी जूनो एंड पिकोक में देखते हैं क्या क्या इंपॉर्टेंट है पहला तो पॉइंट ये याद रखना पड़ेगा कि एक ट्रेजिक कॉमेडी है मीन्स ट्रेजिक एलिमेंट में मिलेंगे और कॉमिक एलिमेंट में मिलेंगे दूसरा इम्पोर्टेंट चीज़ है इसमें एक करेक्टर है जैक बोयो के नाम से जो जूनो का हस्बैंड है वो जो करेक्टर है शेक्सपियर के कैप्टन जैक फाल स्टाफ से लिया गया है और तो जूनो इसका नाम इसलिए रखा गया है क्योंकि इस इ, 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 इनकी जो लाइफ है जूनो की तो जितने भी इवेंट्स होती हैं इनकी लाइफ में वो जून वाले मंथ में होती हैं दैट्स वाई सो मैं शुरू से देखता हूँ जूनो एंड पिको कंटेम्प्रेरी हिस्टोरिकल इवेंट दिखाता है जो भी आयरलैंड में होती हैं वो नेक्स्ट प्ले एग्जामाइन मैंस रिलेशनशिप टू हिज एनवाट प्राइमरली इन द टर्म्स ऑफ मनी फाइनेंशियल क्राइसिस वगैरह दिखाते हैं जो जूनो एंड पिकोक हैं दोनों ही करेक्टर जो है ग्रीक माइथोलॉजी से लिखा लिए गए हैं इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट यूनो एक रोमन गोडेज हैं और एक्चुअल में जो इसमें प्ले में जो करेक्टर है जूनो बोयो के नाम से वो डब्लिन हाउस वाइफ के रूप में दिखाया गया है यहाँ पे और अपनी पूरी लाइफ में स्ट्रगल करती रहती है अभी बोयो हैंडसम ड्रेस पहनता है इसलिए इसको हम पे की तरह डिपिक्ट किया गया है बोयो की फैमिली में चार मेंबर हैं खुद कैप्टन बोयो फिर जूनो बोयो इनका बेटा जोनी और इनकी जो डॉटर है मेरी है यहाँ पे मेन करेक्टर हमारे को जोनो लगता है क्यों क्योंकि जितने भी फैमिली में मेंबर हैं बाकी कोई काम के नहीं है सिर्फ़ जोनो एक रेस्पॉन्सिबल मेंबर है पूरी फैमिली में जो फाइनेंशियल अफेयर से लड़ती रहती है हमेशा स्ट्रगल करती है अपनी लाइफ में बहुत परेशानियाँ होती हैं इनको इसलिए ट्रेजिक भी बोल सकते हैं इसको दूसरा इसमें बहुत पावर्टी दिखाई गई है जो वॉर के जो इफ़ेक्ट है इस वक्त में दिखाया गया है इसलिए ये ट्रेजिडी भी है अभी मैरी मैरी इनकी जो डॉटर है वो स्ट्राइक पे है उनका जो सन है वो डिसेबल्ड है वो क्यों क्योंकि उन्होंने वार में क्या अपना एक हाथ खो दिया था अभी यहाँ पे कैप्टन जैक है बड़ा लोफर टाइप का बंदा है और वो कभी भी काम वाम करता नहीं है और बहाना मारता है कि मेरे तो लेग्स में पेन है राइट एंड द लास्ट लाइन ऑफ दिस प्ले द होल वर्ल्ड इन ए टेरिबल स्टेट ऑफ चैसिस अदर करैक्टर हैं नॉट सो मच इंपॉर्टेंट लेट्स प्रोसीड टू द नेक्स्ट अभी एन टी यू जी सी नेट एग्जाम ने शोनो केसी को किस हिसाब से पूछा है टाइटल बेस्ड क्वेश्चन है ओकेशी जोनो एन पेकोक कोक अंडर मिल्क वुड अंडर मिल्क वुड एक रेडियो ड्रामा है टेरेस रेटिंगन विंसल विंसलो, विंसलो बॉय अभी टेरेस रेटिंगन इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये अपर क्लास फैमिली के बारे में पूरे वर्क्स में दिखाता है इनके डिटेल हम नीचे दे रखे हैं वो देखेंगे अनोल्ड वेस्कर किचन सिंह ड्रामा से हैं और इनकी ट्रायोलॉजी का लास्ट पार्ट है ये आई एम टोकिंग अबाउट जेरोसलम जे एम सिंझ जो एबी थिएटर से एसोसिएट हैं और इनकी इनका वर्क है इन द शेडो ऑफ द क्लीन इसके अलावा भी जे एम सिंझ को हम किसके कौन से प्ले के लिए जानते हैं द प्ले बॉय ऑफ द वेस्टर्न वर्ल्ड जो 1956 में पब्लिश हुआ था बहुत इंपॉर्टेंट है वो प्ले अभी देखो डैलन थॉमस वेल्स पोइट है और ये बेसिकली पोम लिखते हैं बट इन्होंने एक रेडियो ड्रामा लिख दिया है अंडर मिलकुड और इसीलिए एंटे ने पूछ लिया अलग से सो so, इसकी पोम देखते हैं डू नॉट गो जेंटल इन टू दैट गुड नाइट ये पोम है और ये पोम एपिग्राफ का काम कहाँ करती है कैट ऑन ए होट टिन रूफ जो कल वाले वीडियो में हमने विलियम टेने, टेनेसी विलियम्स के पढ़ा था हमने कैट ऑन ए होट टिन रूफ तो वहाँ पे ये एपीग्राफ आता है इम्पोर्टेंट है इसके अलावा देखो डेथ एंड डेथ शैल नो डोमिनियन ये पोम है डायलन थॉमस का पोर्ट्रेट ऑफ द आर्टिस्ट एज ए यंग डॉग ये डायलन थॉमस का शॉर्ट स्टोरी कलेक्शन है टेरिस रेटिंगन इनके अलग वक्स देखते हैं द ब्राउनिंग वर्जन द डी ब्लू सी सेपरेट टेबल्स अरनोल्ड वेस्कर का ट्रायलॉजी चिकन सूप विद बाली रूट्स आई एम टोकिंग अबाउट जेरूशलम जेम सिंस का प्ले बॉय ऑफ द वेस्टर्न वर्ल्ड राइडर टू द सी द द द ऑफ वेडिंग नेक्स्ट क्वेश्चन हु ऑफ द फॉलोइंग इज द ऑथर ऑफ जूनो एंड द शोन पिकॉकैसी एक ही क्वेश्चन को दोबारा घुमाया इन्होंने नेक्स्ट शोनो ओ कैसी जूनो एंड द पिकोक इज ट्रेजिक कॉमेडी फिर इसी क्वेश्चन को घुमा दिया सो वी कैन गेट द जनरल आइडिया वट टाइप ऑफ क्वेश्चन हैज बीन फ्रेमिंग बाई द एंटी एंड द सेम क्वेश्चन रिपीटिंग अगेन एंड अगेन एंड अभी देखते हैं ट्रेजिक कॉमेडी होती क्या है इम्पोर्टेंट है ये टर्म कोइन किया है रोमन ड्रामेटिस्ट प्लाउटस ने और उनका जो वर्क है एम्फीटेरियोन नाम से एक वर्क है वहाँ पे इन्होंने ये इंट्रोड्यूस किया था ट्रेजिक कॉमेडी को और इसके अलावा भी मैं आपको एक पॉइंट बताता हूँ रेस्टोरेशन पीरियड में हम पढ़ते हैं जॉन ड्राइडन को जॉन ड्राइडन फादर ऑफ क्रिटिसिज्म जो डॉक्टर जॉनसन ने उनके लिए बोला था उनका बहुत ही फेमस वर्क है क्रिटिकल वर्क एंड ऐसे उप ड्रामेटिक पोएजी जो पब्लिश हुई थी 1968 में वहाँ पे चार करेक्टर दिखाए जाते हैं क्राइटस यूजीनियस लिसिडियस और नियंडर नियंडर वहाँ पे खुद ड्राइडन होते हैं तो ड्राइडन वहाँ पे मॉडर्न ड्रामेटिस्ट का फेवर करता है और वहाँ पे ट्रेजिक कॉमेडी को सपोर्ट करता है इट मीनस कि ड्रामा में ट्रेजिक भी एलिमेंट होना चाहिए और कॉमिक भी एलिमेंट होना चाहिए तो इम्पोर्टेंट पॉइंट है नियंडर के रूप में ड्राइडन है ट्रेजिक कॉमेडी को सपोर्ट करता है ठीक है ट्रेजिक कॉमेडी ट्रेजिक कॉमेडी मतलब ड्रामेटिक वर्क में दोनों ट्रेजिक और कॉमिक एलिमेंट होंगे अब इसके फेमस एग्जाम्पल्स कौन से हैं लेट सी द मर्चेंट ऑफ वेनिस इम्पोर्टेंट वर्क है तीन वर्क हैं शेक्सपियर के जो ट्रेजिक कॉमेडी वाले जोन राज में आते हैं सेकेंड विंटर्स टेल द टेमपेस्ट अभी मर्चेंट ऑफ वेनिस में मैंने लिखा भी है कॉमेडी कौन से वाले सीन में दिखने को मिलती है जब पोर्स या क्रॉस ड्रेसिंग करती है इट मीनस कि वो लोयर की ड्रेस पहनती है वहाँ पे और शायलो खुद ही एक कॉमिक कैरेक्टर और ट्रेजिक फिगर बनता है क्योंकि उसकी जांग का वो काटना पड़ता है इसके अलावा देखो शैमल बकेट का एंड गेम है हेरोल्ड पिंटर का डम वेटर है दोनों ही राइटर एब्ज थिएटर से हैं जोना एंड पिकोक में ट्रेजिक एलिमेंट कौन सा है और कॉमिक एलिमेंट कौन सा है वो मैंने लिखा है देखो द डायलॉग बिटवीन जैक बोयो एंड जोक्सर फनी इनके बीच में क्योंकि वहाँ तो पूरा वार वाला माहौल चल रहा है पॉवर्टी दिखाई गई है तो इन इस माहौल के बीच में ये लोग जैक बोयो एंड जोक्सर फनी डायलॉग बोलते हैं तो इट मीन्स ये कॉमिक हो गया और ट्रेजडी ट्रेजी, ट्रेजी इसलिए ट्रेजिक एलिमेंट्स इले, इसलिए हैं क्योंकि पॉवर्टी के ऊपर बेस्ड है जूनो कितना स्ट्रगल करती है अपनी लाइफ में वो सारा दिखाया गया है सो दिस इज़ ऑल अबाउट टूडे सेसन थैंक यू थैंक यू सो मच